नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारादत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं अपने शुरुआती योग अभ्यास के पहले दिन का, यानी कि बिगिनर सीरीज का हमारा फर्स्ट डे। तो दोस्तों, अपने शरीर और मन को बांध लीजिए, मन को पक्का कर लीजिए, स्वयं को चुनौती दीजिए कि 30 दिन तक आपको योग अभ्यास मेरे साथ में करना है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के योग का अभ्यास। योगे न चित्तस्य पदे न वाचा मलं शरीरस्य चोवैद्यकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। शांति शांति शांति। धीरे से पैरों को सामने की तरफ खोल करके बैठ जाएं, पैरों को अच्छे से हिला लें, पैरों को बहुत ही अच्छे से हिलाएं ताकि आपके पैरों की तरफ रक्त का संचार और ऊर्जा का संचार बढ़ने लगे। अपने जोड़ों को आराम की अवस्था में ले जाएं, रिलैक्स करेंगे। मांसपेशियों को भी पूरा शिथिल छोड़ेंगे, यानी कि रिलैक्स करेंगे। बहुत अच्छे। अब यहां से पीठ को सीधा रख करके हमने बैठना है, पैर सीधे ही रहेंगे, पंजों को पास में लेके आ जाए। यदि आपका मेरुदंड सीधा नहीं रह पाता है तो ऐसे में आपको नीचे की तरफ से कोई गद्दी, कंबल या कुशन, कुछ भी आप नीचे से रख सकते हैं। वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, लगभग 2 से 3 इंच मोटा हो, जिससे आपके मेरुदंड को सीधा रखने में सहायता मिले। इसके बाद आपको नितंबों की मांसपेशियों को बाहर की तरफ को करना है ताकि नीचे कूल्हे की हड्डी आराम पूर्वक जमीन से लग जाए। अब यहाँ पर हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएं, हथेली आपकी अंदर की तरफ रहेगी, यानी कि आपकी उंगलियां आपके सामने की तरफ को देखेगी। कंधों को गोल घुमाना है, हथेलियों पर दबाव बनाएं और मेरुदंड को ऊपर की तरफ को उठाएंगे ताकि आपकी पीठ सीधी बनी रहे। अब अपना पूरा ध्यान अपने पैरों की उंगली पे लेके जाएं। हम लोग करने जा रहे हैं पादांगुली नमन। अब यहां से अपने पैरों की उंगलियों को देखें और उन्हें फैलाने की कोशिश करें। एक एक करके सारी उंगलियों को अच्छे से फैला लें और उन उंगलियों को अपने चेहरे की तरफ खींचने की कोशिश करें। श्वास को भरेंगे यहाँ पे, और श्वास को छोड़ते हुए अब उंगलियों को आपने बाहर की तरफ, यानी कि आगे की तरफ अच्छे से खींचना है। फिर से श्वास को भरते हुए उंगलियों को अंदर खींचें और अच्छे से फैलाएं। ध्यान आपका उंगलियों के साथ ही टिका रहेगा। अब श्वास को छोड़ते हुए उंगलियों को आगे की तरफ खींचें। बहुत अच्छे, यही प्रक्रिया को हम दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए उंगलियों को खींचें, श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ को खींचेंगे। श्वास को भरते हुए उंगलियों को चेहरे की तरफ लाएं, श्वास को छोड़ते हुए उंगलियों को आगे की तरफ खींचें। वापस से श्वास को भरते हुए अपनी उंगलियों को चेहरे की तरफ लाएं, श्वास को छोड़ते हुए उंगलियों को आगे की तरफ खींचें। 2 बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए उंगलियों को चेहरे की तरफ लाएं, श्वास को छोड़ते हुए आगे, श्वास को भरते हुए उंगली चेहरे की तरफ, श्वास को छोड़ते हुए आगे। इस तरह से हमारा पादांगुली नमन होगा। अब इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं गुल्फ नमन। गुल्फ नमन के लिए आपने अपनी एड़ियों पर खिंचाव देना है। एड़ी को आगे की तरफ खींचेंगे और अपने पूरे पंजे को आप अपने चेहरे की तरफ खींचेंगे। पहले हमने खाली उंगली खींची थी, इस बार पूरे पंजे को खींचने का प्रयास करें। श्वास को भरें और श्वास को छोड़ते हुए पंजे को सामने की तरफ खींचें। जितना खींच सकते हैं पंजे को सामने की तरफ खींचेंगे। फिर से श्वास को भरते हुए पंजे को ऊपर की तरफ को खींचेंगे। एड़ियों के पीछे से, पूरे पाँव के पीछे वाले हिस्से से एक अच्छा सा खिंचाव लेके आएंगे और श्वास को छोड़ते हुए पंजे को आगे की तरफ खींचेंगे ताकि आगे की तरफ से पाँव के खिंचाव बनने लगे। वापस से श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे,
श्वास को भरते हुए वापस से खींचेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पंजे को आगे की तरफ लेके जाएंगे, श्वास को भरते हुए पंजे को अंदर लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए पंजे को आगे को लेके जाएंगे। एक बार और, श्वास को भरते हुए पंजे को अंदर लाएं, श्वास को छोड़ते हुए पंजे को आगे की तरफ लेके जाएं। अब यहाँ से हम लोग गुल्फ चक्र करेंगे, यानी कि पंजों को गोल घुमाएंगे। इसके लिए हमने घड़ी के सुई की दिशा में पंजों को गोल घुमाना है। श्वास प्रश्वास पहले की तरह ही चलती रहेगी, यानी कि श्वास को भरते हुए पंजों को अंदर लाएंगे घुमाते हुए, और श्वास को छोड़ते हुए घुमाते हुए आगे की तरफ लेके जाएंगे। बहुत अच्छे, चलिए करते रहिएगा। श्वास और प्रश्वास के साथ यह अभ्यास आपका चलता रहेगा। श्वास को भरते ऊपर छोड़ते हुए आगे, श्वास को भरते ऊपर छोड़ते हुए आगे। बहुत अच्छे, चलिए अब यहां से विपरीत दिशा को घुमाएंगे। श्वास को भरते ऊपर छोड़ते हुए आगे, श्वास को भरते हुए ऊपर छोड़ते हुए आगे। आपका ध्यान पूर्ण रूप से आपके पंजों की गति पर बना रहेगा, और खासकर आपको अपना ध्यान अपने टखने पे लेके जाना है, यानी कि एंकल वाला जो आपका जोड़ है इस पे लेके जाना है, किस तरह से पंजा घूम रहा है। चलिए वापस आ जाएं। अब दोनों पैरों के बीच में थोड़ा दूरी बना लें। अब यहाँ से दोनों पंजों को बाहर की तरफ से घुमाते हुए अंदर की तरफ लेके आए। श्वास प्रश्वास पहले की तरह ही चलेगा, श्वास भरेंगे पंजों को ऊपर की तरफ को खींचेंगे, और श्वास को छोड़ते हुए पंजों को आगे की तरफ खींचते लेते हुए चले जाएंगे। बहुत अच्छे, करते रहिएगा इस अभ्यास को। श्वास भरते ऊपर छोड़ते हुए आगे, भरते हुए ऊपर छोड़ते हुए आगे, भरते हुए ऊपर छोड़ते हुए आगे। बहुत अच्छे, चलिए यहाँ से हम विपरीत घुमाते हैं। श्वास को भरते हुए ऊपर छोड़ते हुए आगे, भरते हुए ऊपर, आपका ध्यान आपके पंजों पे बना रहेगा, और छोड़ते हुए आगे, श्वास को भरते हुए ऊपर छोड़ते हुए आगे, श्वास को भरते हुए ऊपर छोड़ते हुए आगे। बहुत अच्छे, अब धीरे से यहाँ पर वापस आ जाएंगे। मेरुदंड को हल्का हल्का सा आगे की तरफ लेके आए, पैरों को वापस से साथ में लेके आएंगे। अब यहाँ पे हम लोग अपना दायां पांव मोड़ेंगे और बाएं जंघा के ऊपर रखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आपका पांव आने के बाद पंजे को कोशिश करें थोड़ा सा जंघा से बाहर की तरफ को निकाल लें। इसके बाद अपने बाएं हाथ से अपने बाएं पंजे को पकड़ें, दाएं हाथ से अच्छा सा सहारा यहाँ पे दें, और टखने को आगे की तरफ गोल घुमाएं। जब आप अपने हाथ से टखने को गोल घुमा रहे हैं तो टखने को आपने एकदम से ढीला छोड़ना है। तो पूरी तरह से टखने को ढीला छोड़ दें और हाथ के द्वारा टखने को घूमने दें। आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि बार बार टखना अपने आप घूमना चाह रहा होगा, तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा ध्यान अपने टखने पर बना के रखना है। चलिए अब विपरीत दिशा की ओर घुमाइए, जितना बड़ा गोला हो सकता है हाथ के द्वारा टखने को पकड़ करके आपने गोल आकृति में इसे घुमाना है। अब यही प्रक्रिया हम लोग दूसरे पांव से करेंगे। अपने बाएं पांव को मोड़ लें, दाएं जंघा के ऊपर रख लें। आप दाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ेंगे और आगे की दिशा पे गोल घुमाएंगे। यहां भी ध्यान देना है आपने कि टखने को एकदम से ढीला छोड़ना है, पैर नहीं घूमेगा, आपका हाथ आपके टखने को घुमाएगा। ध्यान रखेंगे कि पैर नहीं घूम रहा है, आपका हाथ आपके टखने को गोल आगे की तरफ घुमा रहा है। तो इस तरह से जितना बड़ा गोला हो सकता है बनाएंगे और फिर गोल आकृति में इसे वापस विपरीत दिशा में घुमाना शुरू करेंगे। इस दौरान आपको दाएं पांव को भी सीधा करके रखना है, दाएं पांव को ऐसे टेढ़ा नहीं होने देना है, गिरना नहीं है, दाएं पांव को भी आपने सीधा बना के रखना है। योग के द्वारा हम शरीर के प्रत्येक अंगों में सजगता लाते हैं, रक्त के संचार को बढ़ाते हैं, ऊर्जा के संचार को बढ़ाते हैं। बहुत अच्छे, अब ये होने के बाद आपने पैर को सीधा कर लेना है। अब यहाँ से आपने दाएं पांव को मोड़ना है, बाएं पांव को सीधा रखेंगे, जंघा के पीछे से पकड़ेंगे, मेरुदंड को सीधा बनाने का प्रयास करें। फिर श्वास को भरते हुए दाहिने पांव को ऊपर लेके जाएंगे जितना लेके जा सकते हैं, और श्वास को छोड़ते हुए दाएं पांव को नीचे लेके आएंगे। तो यही प्रक्रिया को हम लोग और दोहराते हैं। श्वास को भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर। बहुत अच्छे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। अब यहाँ से हम लोग पाँव को बदल लेंगे, बाएं पाँव को धीरे से मोड़ें, जंघा के पीछे से पकड़ने का प्रयास करें और दाएं पाँव को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। श्वास को भरते हुए धीरे से बाएं पाँव को ऊपर लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। फिर से श्वास को भरते हुए बाएं पाँव को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर,
श्वास को छोड़ते हुए नीचे। ये था हमारा जानू नमन। अब धीरे से बाएं पांव को भी नीचे लेके आएंगे। फिर से हम लोग दाएं पांव को मोड़ेंगे, तो दाएं पांव को बाहर की तरफ गिराना है और उसके बाद पंजे को अंदर की तरफ मोड़ के लाना है और बाएं जंघा के ऊपर रख देंगे। अब यहाँ पर हम लोग अर्ध तितली आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं, जिसमें बायां पांव आपका सीधा है और दाहिना मुड़ा हुआ है। अब अपने दाहिने पंजे को अच्छे से पकड़ें और दाएं हथेली को दाएं जंघा के ऊपर पे टिकाएं और हल्का सा दबाव बनाना शुरू करें। एक बार अच्छा सा दबाव बनने लग जाए आपकी हथेली से, इसके बाद आपने पैर को इस तरह से ऊपर नीचे हिलाना है, तितली के पंख की भांति इसे हम लोग ऊपर नीचे हिलाते हैं। इस अभ्यास को हम लोग अर्ध तितली आसन कहते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपका हाथ आपके घुटने के पास नहीं आता है, आपका हाथ आपके जंघा के ऊपर पे बना रहता है। आराम पूर्वक श्वास प्रश्वास चलती रहेगी सामान्य रूप से और अभ्यास का आनंद लें। चलिए अब यही प्रक्रिया को हम लोग बाएं तरफ से करेंगे। दाएं पांव को सीधा कर दें और फिर बाएं पंजे को बाहर को गिराते हुए अपने ऊपर की जो हड्डी है, फीमर बोन जिसे कहते हैं, इसे बाहर की तरफ घुमाते हुए आपने इस वाले पांव को भी मोड़ना है। तो इस तरह से विधि की को जान करके अगर आप जाएंगे, इसे पांव को हमने मोड़ा फिर ऊपर लेके आए, ऐसे में आपका कूल्हे का जोड़ अच्छे से खुल जाता है, जिससे रक्त का संचार, ऊर्जा का संचार पैरों में और भी बढ़ने लगता है, यानी कि आपको ज़्यादा ज़्यादा फायदे अभ्यास के मिलते हैं। चलिए अब यहाँ पर बाएँ हाथ को जंघा के ऊपर रखें, दबाव बनाया तेली से और उसके बाद पैर को ऊपर नीचे हिलाएंगे। स्थिति का आनंद लें, श्वास प्रश्वास आपका सामान्य रूप से चलता रहेगा। ध्यान रखेंगे एक रिदम पे आपको पैर को ऊपर नीचे हिलाना, बहुत ज़्यादा तेजी नहीं दिखानी है और बहुत ज़्यादा आपने ढीला भी नहीं रहना है। मेरुदंड को एकदम से सीधा रखना है, मन मस्तिष्क को एकदम से सजग बना के रखना है। चलिए अब इस वाले पाँव को भी धीरे से हम सीधा कर देते हैं। अब हम लोग पूर्ण तितली का अभ्यास करेंगे। पहले दाएं पाँव को बाहर की तरफ ले जाएं और इसके बाद दाएं पाँव को मोड़ें, इस तरह से मोड़ेंगे, फिर बाएं पाँव को बाहर को ले जाएं और फिर बाएं पाँव को मोड़ेंगे। दोनों पैरों के तलवे आपस में मिला लें, उंगलियों को गूदें और हथेली को पंजों के नीचे पर रखेंगे। पंजों से हथेली पर दबाव बनाएं और हथेली से पंजों पर दबाव बनाएंगे। मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करें, कंधों को नीचे लाएंगे और घुटनों को बाहर की तरफ खोल दें। अब इसके बाद दोनों पैरों को एक साथ में ऊपर नीचे हिलाएंगे। यह है हमारा पूर्ण तितली आसन। स्थिति का आनंद लें, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। पूर्ण तितली आसन बहुत ही लाभदायक आसन होता है पाचन प्रणाली के लिए, उत्सर्जन तंत्र के लिए, यानी कि जो भी हमारे शरीर के अंदर की गंदगी की जो निकासी होती है मलाशय द्वारा, मूत्राशय द्वारा, उनके कार्यों को ये सुधारता है, उनके कार्यों को बढ़ाता है, उनकी कार्यशैली को, पाचन प्रणाली को भी ये सुधारता है। महिलाओं के मासिक धर्म के समय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन होता है, पेट के दर्द से ये राहत देता है और भी अन्य समस्याओं में भी ये बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। चलिए पूर्ण तितली के बाद अब आपने पैरों को धीरे से ऊपर की तरफ उठाना है हाथ के सहारे से इस तरह से और फिर धीरे से सामने की तरफ खोल देना है। अब हम लोग दोबारा से पूरे पैर की तरफ ध्यान लेके जाएंगे और उसके लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पैर को इस तरह से अपने हथेली से टैप करेंगे। तो हल्का हल्का प्रहार आपने अपने पैर पे करना है ताकि आपके मांसपेशियों में, संपूर्ण मांसपेशियों में सजगता बननी शुरू हो जाए, रक्त का संचार बनना शुरू हो जाए और ऊर्जा का संचार बनना शुरू हो जाए। यदि आप झुक नहीं सकते हैं तो आराम पूर्वक पांव को मोड़ लें और पंजों से इसकी शुरुआत करें। इस तरह से आपने हथेलियों से अपने पंजों पे मारें, तलवों पे भी मारें, प्रहार बहुत ज़्यादा आपने जोर का नहीं करना है, बस इतना प्रहार करें कि आपको महसूस हो कि हाँ वहाँ पर लगने के बाद कुछ महसूस हो रहा है, ऊर्जा वहाँ पर चलने लग गई है। अब यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ लाएंगे, पीछे की मांसपेशियों में शाम होते ही लोगों को थकान होने लग जाती है, ये वाली जो मांसपेशी होती है इसमें कई बार दर्द होता है और कई बार अजीब सा उतावलापन सा आने लगता है, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में खवाई कहते हैं, तो ऐसा कुछ होने लगता है। तो ये टैपिंग जो अभ्यास है ये बहुत अच्छा अभ्यास होता है। इस तरह से आप पैरों के प्रति सजगता को बढ़ा देते हैं, रक्त के संचार को बढ़ा देते हैं, ऊर्जा का संचार अच्छे से बढ़ने लगता है। ऐसे में जो छोटी मोटी जो भी आए दिन समस्याएं होती है, पैरों की तरफ की थकान होना, पैरों में दर्द होना इत्यादि, इन समस्याओं के लिए ये बहुत ही लाभदायक होता है। चलिए घुटने के पास पर अच्छे से करेंगे, घुटने के चारों तरफ
हथेली से टैप करेंगे। अब जंघा के ऊपर करेंगे, चाहे तो पैर को इस तरह से मोड़ के भी कर लें, जंघा के ऊपरी हिस्से पे और जंघा के अंदर वाले हिस्से पे, साथ ही जंघा के पीछे वाले हिस्से पे भी करें। अब यहां से हाथ कूल्हे की तरफ लेके जाएंगे, नितंबों की मांसपेशियों पे करेंगे और कमर के निचले वाले हिस्से तक हाथ लेके जाएंगे। आप चाहें तो इसको एक बार और पूरे शरीर पे पैरों की तरफ आप कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद आपने इस तरह से पैरों को बांध करके बैठ जाना है सुखासन की स्थिति में और हाथों को सामने कंधों के समानांतर पे लेके जाना है। फिर यहां से आपने श्वास को भरते हुए उंगलियों को फैलाना है जितना आप फैला सकते हैं, उंगलियों के बीच में अच्छी सी दूरी बनाएं और श्वास को छोड़ते हुए अंगूठे को अंदर ले जाएंगे और उंगलियों को मोड़ते हुए इस तरह से मुष्टिका यानी कि मुट्ठी को बनाएंगे। इस अभ्यास को हम लोग मुष्टिका बंधनम कहते हैं। फिर से श्वास को भरते हुए उंगलियों को खोलें जितना खोल सकते हैं और एक एक उंगली को महसूस भी करें साथ में। यहाँ पर रोकें, चलिए छोटी उंगली को महसूस करें और उसे हिलाने का प्रयास करें। फिर इसके बाद अपने अंगूठी वाली उंगली को महसूस करें और उसे हिलाने का प्रयास करें। अब बीच वाली उंगली को महसूस करें, बड़ी वाली को, अब उसे हिलाने का प्रयास करें। फिर पहली वाली उंगली को महसूस करें और उसे हिलाने का प्रयास करें। अब साथ ही अब अंगूठे को महसूस करेंगे और उसे हिलाने का प्रयास करेंगे। चलिए, अब मुट्ठी को बांधेंगे। फिर से श्वास को भरते हुए उंगलियों को खोलें और श्वास को छोड़ते हुए मुट्ठी को बांधें। श्वास को भरते हुए उंगलियों को खोलें, एक एक उंगली को महसूस करना। आपकी आंख और आपका ध्यान पूर्ण रूप से आपकी उंगली पर रहेगा। श्वास को छोड़ते हुए मुट्ठी को बांधें, बिल्कुल टाइट मुट्ठी बांधनी है। श्वास को भरते हुए उंगलियों को खोलें, श्वास को छोड़ते हुए मुट्ठी को बांधें। बस ध्यान ये रखें कि अंगूठे पे कोई अनावश्यक दबाव आपको ना लगे। इस तरह से आपने मुट्ठी को जोर से टाइट करके बांधना है। चलिए, अब हथेली को खोल दें, उंगलियों को साथ में मिला लें। फिर यहां से श्वास को भरते हुए आपकी हथेली सामने की तरफ आ जाएगी, उंगली ऊपर की तरफ देखेगी और इसके बाद श्वास को छोड़ते हुए हथेली आपकी नीचे की तरफ जाएगी, उंगलियां नीचे की तरफ देखेगी। दोबारा से श्वास को भरते हुए हथेली ऊपर, इसे हम लोग मणिबंधन नमन कहते हैं। श्वास को छोड़ते हुए नीचे, वापस से श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। एक बार और, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएं, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले जाएं ताकि कंधे आपके आराम की अवस्था में चले जाएं। चलिए, अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। हाथों को वापस से कंधों के समानांतर पर खोलें, अंगूठे को अंदर करेंगे और अपनी उंगलियों को बांध लेंगे। फिर यहाँ से हम लोग मुट्ठी को बांधने के बाद अपनी कलाइयों को घड़ी की सुई की दिशा में गोल घुमाएंगे। श्वास और प्रश्वास सामान्य रूप से चलता रहेगा और अपनी कलाइयों को गोल घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे। बहुत अच्छे। यदि आपके कंधों में कोई जकड़न की समस्या है या दर्द एकदम से आ जाता है तो ऐसे में एक एक हाथ करके करें और दूसरे हाथ से नीचे से इस तरह से आप सहारा दें और फिर दूसरे हाथ से वही प्रक्रिया को करें जो आप हाथ बल के कर सकते हैं। चलिए, अब विपरीत दिशा को घुमाएंगे। बहुत अच्छे से जितना हो सकता है गोले को बड़ा बनाएं। जो घुमावदार प्रक्रिया है उससे जो गोलाकार आकृति है उसे जितना हो सकता है बड़ा बनाने का प्रयास करेंगे और पूरा अपना ध्यान और अपनी आंखों को अपने कलाइयों के साथ पूरा जोड़ लें। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे लेके आ जाएंगे। एक बार और, वापस से हाथों को कंधे के समानांतर पर खोलें, उंगलियों को अच्छे से चिपका लें। उंगली को चिपकाने के बाद आपने पूरे हाथ में सक्रियता को लाना है, यानी कि आपके हाथ की पूरी मांसपेशी, चाहे ये ऊपरी मांसपेशी हो, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स या ये वाली जो मांसपेशी हो फोर आर्म से जुड़ी हुई, सब कुछ एकदम से सक्रिय होगा। फिर इसी सक्रियता के साथ में आपने हथेली को ऊपर की तरफ को पलटाना है और फिर कोहनी को मोड़ते हुए कंधों के पीछे वाले हिस्से को छूना है। यह है हमारा केहुनी नमन का अभ्यास। अब यहां से हाथों को सामने की तरफ लाएंगे, हाथों में सजगता बनाए रखें, सक्रियता बनाएंगे और हथेली को धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। अब इसे हम लोग श्वास के साथ में करते हैं। श्वास को भरते हुए हथेली ऊपर की तरफ पलटेगी, श्वास को छोड़ते हुए कोहनी को मोड़ें, कंधे के पीछे वाले हिस्से को छुएंगे। श्वास को भरते हुए हथेली को सामने की तरफ खोलेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हथेली को नीचे ले आएंगे। वापस से करेंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए
कंधे के पीछे वाले हिस्से को छुएंगे, श्वास को भरते हुए सामने, श्वास को छोड़ते हुए हथेली नीचे। वापस से श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएं। अब हम लोग यहाँ से स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आपने इस तरह से हाथों को उठा करके अपने कंधे पे लाके रखना। आपकी उंगलियाँ कंधे के पास आके रुक जाएंगे, हृदय आपका अच्छे से खुला रहेगा। लंबा सा श्वास आपने यहाँ पर भरना है। इसके बाद कोहनी को उठाते हुए सामने की तरफ लाना है, पास पे लेके जाएंगे और फिर कोहनी को नीचे ले आएंगे। तो इस तरह से ये अभ्यास चलता रहेगा। श्वास भरनी है, श्वास को छोड़ते हुए कोहनी को पास में लाना है। श्वास भरते हुए हृदय को फैलाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे लेके आएंगे। वापस से श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। श्वास को भरते हुए हाथों को फैलाएं। अब यहाँ से विपरीत दिशा की ओर जाएंगे, यानी कि कोहनी को नीचे से सामने की तरफ लाना है। फिर से श्वास को भरते हुए कोहनी को ऊपर और बाहर की तरफ खोल दें। श्वास को छोड़ते हुए कोहनी को नीचे और सामने की तरफ लाएं। चलिए अभ्यास को करते रहेंगे। श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ लाएं। श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे और धीरे से अब हाथों को नीचे ले आएं। तो यहाँ तक हमने अपने हाथों का और कंधों तक का अभ्यास हमने यहाँ पर कर लिया है। चलिए अब यहाँ से गर्दन के लिए अभ्यास करेंगे ग्रीवा संचालन का। सामने यहाँ पर अपनी दृष्टि को एक टक एक बिंदु पर टिका लेना है। श्वास भरनी है और श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को सीधा दाएं तरफ मोड़ना है और दाएं कंधे को देखने का प्रयास करना है। फिर यहाँ से गर्दन को सीधा सामने की तरफ लाएं, अपनी दृष्टि वापस से उस बिंदु पर टिका लें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को बाएं तरफ लेके जाएंगे और बाएं कंधे को देखने का प्रयास करेंगे। बस यही प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। श्वास को भरते हुए सामने बिंदु पर देखें, श्वास को छोड़ते हुए दाएं तरफ, श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए बाएं तरफ, श्वास को भरेंगे, सिर को बीच में लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ, श्वास भरेंगे, बीच में लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ। बहुत अच्छे। अब धीरे से श्वास को भरते हुए सिर को बीच में ले आए और छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ झुकाएंगे, जितना झुका सकते हैं लेके जाएंगे। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए सिर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, गर्दन के पीछे पे आर्च बनाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्दन को पीछे आपने फेंकना नहीं है, गर्दन को पीछे से लिफ्ट करके रखना, उठा के रखना है ताकि आपके गर्दन की जो मांसपेशी है वो सक्रिय बनी रहे। और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से सिर को नीचे ले आएंगे। बहुत अच्छे। अभ्यास को करते रहेंगे। श्वास को भरते हुए सिर को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हम लोग स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे, यानी कि गर्दन को हम लोग गोल अवस्था में, गोलाकार अवस्था में घुमाएंगे। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए सिर को नीचे ले आएंगे। अब यहाँ से शुरुआत करेंगे, सिर को अपने बाएं कंधे की तरफ से ऊपर को उठाएं, श्वास को भरें और श्वास को छोड़ते हुए दाएं कंधे की तरफ से नीचे लेके जाएं। बहुत बढ़िया। दोबारा से करेंगे, श्वास भरते हुए सिर को ऊपर लाएंगे और छोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर ले जाएंगे। यदि चक्कर आ रहे हो तो ध्यान रखें आंखों को खोल के रखें, बंद नहीं करना है। श्वास को छोड़ते हुए नीचे आएंगे और सिर को भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं ले जाना है। श्वास को भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। चलिए इसी अभ्यास को हम दूसरी तरफ से दोहराएंगे। अब यहाँ से दाएं तरफ को लेके जाना है और उठाना है और श्वास को छोड़ते हुए बाएं तरफ और नीचे लेके आएंगे। बहुत बढ़िया। दोबारा से श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, श्वास को भरेंगे, गर्दन को उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएंगे, श्वास को भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। अब धीरे से सिर को ऊपर उठा लें। तो इस तरह से हमारा स्कंद चक्र का भी अभ्यास हो गया है। अब यहाँ से हम लोग गर्दन के दाएं और बाएं तरफ अच्छा सा खिंचाव देंगे। इसके लिए आपने अपने दाएं हाथ को उठा करके बाएं कान के ऊपर रखना है। इस तरह से मेरुदंड को सीधा रखेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 अपने सिर को दाहिनी तरफ खींचने का प्रयास करें। अब ऐसे में आपने बाएं हाथ को बाएं तरफ लेके जाना है ताकि अच्छा सा खिंचाव आपके बाएं तरफ की गर्दन पे आ जाए।
अब आपने धीरे से गर्दन को ढीला छोड़ते वापस आ जाएंगे। यही प्रक्रिया हम दूसरी तरफ से दोहराएंगे। अब बाएं हाथ से दाएं कान को पकड़ लें और हाथ को ऊपर से ला करके दाएं हाथ को बाहर की तरफ खींचेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए सिर को बाएं तरफ झुकाएंगे और अच्छा सा खिंचाव दाहिनी तरफ की गर्दन पर लेके आएंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से सिर को वापस ले आए। यदि आपका दोबारा से मन सिर को घुमाने का हो रहा है तो एक बार या दो बार सिर को एक दिशा की ओर घुमाएं और फिर यही प्रतिक्रिया दूसरी तरफ को करेंगे, एक बार या दो बार दूसरी तरफ को घुमाएंगे। अब यहां से हम लोग संपूर्ण मेरुदंड के लिए अभ्यास को करेंगे। इसके लिए हम गौ मार्जरी आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो इस तरह से आपको अपने योग मैट में आना है कि आपके हाथ कंधे के समानांतर पे खुले होंगे, घुटने कूल्हे के समानांतर पे खुले होंगे, पंजों को पीछे को खोल के रखना है। आपकी जो कलाई है वो आपके कंधे की सीध में नीचे रहेगी, ऐसे ही आपके कूल्हे और घुटने एक सीध में बने रहेंगे। अब यहां से हमने श्वास को भरते हुए अपने कूलों को ऊपर की तरफ को उठाना है। हमारी जो पूंछ वाली हड्डी है उसे ऊपर को उठाएंगे, टेलबोन को, पेट को नीचे ले जाएंगे, हृदय को नीचे ले जाएंगे और सिर को ऊपर को उठाने का प्रयास करेंगे। तो ये अवस्था बनेगी। अब यहाँ से श्वास को छोड़ते हुए सिर को नीचे ले जाएं, हथेली से दबाव बनाएं, हृदय को अंदर लाएं। अब अपनी पूंछ वाली हड्डी को अंदर की तरफ लेके जाएंगे और अपने मेरुदंड के बीच वाले हिस्से को जितना हो सकता ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे। दोबारा से श्वास को भरते हुए कूल्हे को ऊपर को उठाएंगे, पेट को नीचे ले जाएंगे, हृदय को लेके जाएंगे, सिर को ऊपर को उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए सिर नीचे, हृदय को अंदर को लेके जाएंगे, नाभि को भी खींचेंगे अंदर की तरफ को, कूल्हे को गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ लेके जाएंगे और पीठ के बीच वाले हिस्से को ऊपर को उठाएंगे। वापस से यही प्रक्रिया करेंगे। श्वास को भरें और मेरुदंड में एक अच्छा सा अर्धचंद्राकार स्थिति को लेके आएंगे, आर्च बनाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए सिर को नीचे ले आएंगे, कूलों को भी नीचे लाएंगे और पीठ के बीच वाले हिस्से को ऊपर को उठाएंगे। बहुत अच्छे। दो बार और करेंगे इसी आसन को। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें, श्वास और प्रश्वास के साथ आपका अभ्यास चलता रहेगा। श्वास को भरें और श्वास को छोड़ें। इस तरह से इस अभ्यास से आपके मेरुदंड में भी रक्त और ऊर्जा के संचार की वृद्धि होगी, आपकी पीठ में मजबूती आएगी, लचीलापन आएगा और आपकी पीठ सेहतमंद बनी रहेगी। अब यहाँ से आपने हाथों को आगे की तरफ ले जाना है, कूल्हे को हल्का हल्का सा पीछे को लेके जाना है और हाथों को जितना हो सकता आगे की तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। आपके हाथ कंधे के समानांतर से थोड़ा सा ज़्यादा खुले हुए हैं, हाथों पर अच्छा सा खिंचाव दें, मेरुदंड पर अच्छा सा खिंचाव दें और धीरे धीरे फिर माथे को जमीन की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। यह है हमारी उत्थित बालासन की स्थिति। स्थिति को बनाए रखें, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अब यहां से आपने धीरे से उठना है, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। अब यहां से वापस से पलती मार करके योग मैट में बैठ जाएंगे। इसके बाद आपने हाथों को बाहर की तरफ खोलना है, श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर ले जाएं, श्वास को छोड़ते हुए अपने बाएं तरफ को झुकेंगे और अच्छा सा खिंचाव अपने दाहिनी तरफ को लेके आएंगे। अब यहां से श्वास को भरते हुए वापस आ जाएं, अपने दाएं हाथ को नीचे लेके जाएंगे, बाएं हाथ को ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने अपनी दाहिनी तरफ को झुकना है और अच्छा सा खिंचाव बाएं तरफ को लेके आना है। अब यहां से श्वास को भरते हुए वापस आ जाएंगे। हम लोग यहां से ट्विस्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा आखिरी अभ्यास है श्रृंखला का। आपने अपने बाएं हाथ को दाहिनी जंघा के ऊपर रखना है और दाएं हाथ को पीछे लेके जाना है, उंगलियों को अच्छे से जमीन पर टिका लें, उंगलियों पर दबाव बनाए और मेरुदंड को ऊपर को उठाने का प्रयास करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ से दबाव बनाए और अपने मेरुदंड को पीछे की तरफ घुमाते जाएंगे और आपकी गर्दन भी आपके मेरुदंड के साथ साथ पीछे को जाती रहेगी। सिर को पीछे को लेके जाना है, एक अच्छा सा खिंचाव और ट्विस्ट अपने मेरुदंड पे लेके आना है। अब यहां से सिर को सामने की तरफ लाएं, श्वास को भरेंगे, हाथों को बदलेंगे। अब आपने अपना दाहिना हाथ बाएं जंघा के पास पे रखना है, बाएं हाथ को पीछे ले आएंगे, मेरुदंड को सीधा करेंगे, श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आपने अपने बाएं तरफ को पूरा मोड़ना है और सिर को धीरे 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 आपके मेरुदंड के बाद सिर को भी आपने पूरा पीछे लेके जाना है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, पहले आपका मेरुदंड पीछे को घूमता है और फिर उसके बाद आपका सिर धीरे धीरे उसके साथ में पीछे की तरफ को घूमता है।
अब यहां से सिर को सामने की तरफ लाएंगे, श्वास को भरेंगे, दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे, बाएं हाथ को उठाएंगे, हृदय को ऊपर की तरफ खींचेंगे जितना खींच सकते हैं। यहां पर रुके हैं, स्थिति को बनाए रखें, रुके हैं, उंगलियों को भी फैला लें अच्छे से, हाथों को भी सक्रिय करेंगे, कंधों को नीचे रखें और धीरे से श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आ जाएंगे। अब यहां से आपने हाथों को सामने की तरफ लाना है, श्वास भरनी है, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को आगे लेके जाएंगे और धीरे धीरे झुकेंगे। मन मस्तिष्क को शांत करेंगे, अपने अंदर की ऊर्जाओं को शांति की ओर लेके जाएंगे, आनंद की ओर लेके जाएंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास चलता रहेगा। कुछ देर यहाँ रुकने के बाद श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाएंगे, हाथों को नमस्कार की स्थिति में लेके आएंगे, आँखों को धीरे से बंद करेंगे। हम लोग प्रार्थना के साथ इस अभ्यास की समाप्ति करने जा रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने सिर को आगे की तरफ झुकाएंगे, अपने मन में, अपने अंतकरण में अपने गुरुजन, अपने पित्र या अपने इष्ट आराध्य प्रभु ईश्वर का ध्यान करेंगे, उनका स्मरण करेंगे और महसूस करेंगे कि आपके पूरे शरीर में, मन मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, आनंद की ज्योति आपके अंदर जल रही है, ज्ञान की ज्योति आपके अंदर जल रही है, धैर्य की ज्योति आपके अंदर जल रही है। इन्हीं सभी ऊर्जाओं को अपने साथ बांधे रखें और इसी के साथ धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे और सिर को ऊपर को उठाएंगे।